अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आगे नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए DGFIA वाजिद ज़िया ने ओहदा संभालने के बाद गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें FIA के माली मसाइल और नैब के साथ तनख्वाहों और मराद का तकाबली जायजा लिया। बेहतर नतायज हासिल करने के लिए अफसरों और मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद को नैब के मसावी किया जाए, जिसे वज़ीर आज़म ने मंजूर करते हुए वजारत दाखिला को समरी भेजने की हदायत जारी कर दी। अफगानिस्तान में अमरीकी एयरबेस पर खुदकुश हमला और मुसल्ला अफराद की फायरिंग। बैन अल-अक़वामी खबर रसां अदारे के मुताबिक सूबा परवान में अमरीका की सबसे बड़ी एयरबेस से मुंसलिक ज़ेरे तामीर अस्पताल की इमारत पर खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, जिसके बाद मुसल्ला अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके एयरबेस में दाखिल होने की कोशिश की। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक खातून हलाक जबकि 60 से ज़ायद अफराद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। उस्ता मोहम्मद, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। आम शहरी और ताजर बरादरी को आए दिन लूटा जा रहा है। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने असले के जोर पर हिजवानी बाईपास के करीब मारूफ मिल ओनर से नकदी 10 लाख रुपए छीन लिए। वाक्य पर सियासी, समाजी और अवामी हलकों की जानिब से मुजम्मत। डकैती के मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। पोस्ट ऑफिस मोरो के मुलाजिम ने अपनी बेटी 22 साल सोफिया को बंदूक का फायर करके मार डाला। दो दिन कबल पोस्ट ऑफिस मोरो के क्लर्क नियाज ने अपनी बेटी को बंदूक से फायर करके मार दिया। कत्ल के बाद लाश को करीबी गांव के फार्म ले जाकर दफनाने की कोशिश की, तो SHO मोरो कुर्बान अली ने बर वक्त कब्रिस्तान में पहुँच कर लाश को तहवील में ले लिया। दौरान तफ्तीश नियाज ने अपनी बेटी को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। घोटकी में हिंदू और सिख बरादरी की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मोदी के पुतले को नजरे आतिश किया। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।